24 तारीख की शाम को 8:30 बजे एक 20 दिन की नवजात बच्ची, जिसका स्टेशन के सामने ही जिसके फादर रिक्शा चलाते थे, वहाँ से उसके अपहरण कर लिया गया। थोड़ी देर में आरंभिक जानकारी के बाद मालूम चला कि एक लड़का के फोटो आई, फिर उसके लीड पे काम किया गया तो पहचान हो पाई कि एक व्यक्ति था जो स्टेशन के आसपास ही रहता था, वो उठा के ले जा रहा है। पूरी हमारी ब्रजेश सिंह की सर्विलांस टीम, CO साहब और इंस्पेक्टर साहब, पूरी टीम लगी और उसे 2 दिन के अंदर ही बरामद कर लिया गया। मालूम चला इसमें कि एक दंपत्ति जिसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे, वो बहुत परेशान थी महिला इस इशू से लेके कि उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, शादी के 8 साल हो गए थे। इसी वजह से इसने ताना बुना बुना एक कालवीन अस्पताल में काम करने वाली आशा जो वहाँ पे काम करती उसके संपर्क में आए, तो वो फिर ये 20 दिन तक जब पहले जब डिलीवरी हो रही थी तो वहाँ भी कोशिश की गई थी कि इनको बच्चे को हैंडओवर करा दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर ये स्टेशन से 20 दिन बाद ये घटना हुई। इसमें शामिल हैं स्टेशन पे 2 रहने वाली वहीं पे मांगने खाने वाली महिलाएं भी, और ये जो महिला है जिसको बच्चा चाहिए, ये इसकी माँ और इसके भाई कमल, ये सारे लोग शामिल थे। इनमें से आज 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बच्ची को बरामद कर लिया गया है और एक व्यक्ति जो उसमें शामिल घटना जिसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास चल रहा है। पूछताछ पर इन लोगों ने यही बताया कि यद्यपि पहले भी कुछ दंपत्ति जो स्वेच्छा से, जिनके वे गरीब थे और बच्चे ज़्यादा थे, उसको हैंडओवर किया, बट इन्होंने बता नहीं पाए कि आखिर वो दंपत्ति कौन थे और जिन्होंने लिया वो कौन थे। हम उस बिंदु पे भी अभी लगातार जानकारी करेंगे, और स्टेशन के आसपास की अभी अतीत में कोई घटना ऐसी नहीं आई है, फिर भी जो इनकी एक्टिविटी थी बहुत ही जघन्य अपराध की थी और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीत करके सभी को जेल भेजा जा रहा है। सर, ये अपने पति से ये बात छुपाई हुई थी और किस तरीके से पति को ये पता चला, क्योंकि ये भी प्रकरण सामने आया कि बात छुपा के रखी थी? जो महिला जो बच्चा चाह रही थी वो अपने पति से इस बात को छिपा रखी थी कि वो बच्चा इस तरह से प्राप्त की है। पति को बराबर पिछले 9 महीनों से ही बता रही थी मायके में रह करके कि वो प्रेग्नेंट है, और जब भी पति वहाँ पर जाता तो वो इस तरह कुछ ड्रामा भी करती थी जिससे पति को एहसास हो जाए कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए पति इस पूरे प्रकरण में अनभिज्ञ था, ये पूरे घटनाक्रम में, और निर्दोष भी हो। सर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद और कहा गया है कि चेकिंग होगी।